गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। वी हैव लर्नड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, एंड नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पता करना है, असि एक पॉइंट चार्ज ले लिया, एक पॉइंट पी के उत्ते असि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। देखो सानू डेफिनेशन क्लीयर है भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन सी टू ब्रिंग आ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टू ब्रिंग आ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी अदर चार्ज। हुण मैं कोई भी टेस्ट चार्ज मान लो क्यू नॉट इनफिनिटी तो लैके आना है किसी भी पॉइंट पी ते लियाउणा, जिहड़ा वर्क डन होगा, वर्क डन होगा जिहड़ा ओह की होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यस, तमें वर्क डन पता करना फ्रॉम इनफिनिटी टू डेड पॉइंट पी तक दा, ठीक है जी, ओह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। मैं सारे रस्ते नूं डिवाइड कर लिया छोटे छोटे इक्वल पार्ट सारे, तां ए तो बी एक स्मॉल पाथ लै लिया। मैं पहला इस पार्टिकल नूं जां इस टेस्ट चार्ज नूं ए तो बी समान डिस्टेंस डी एक्स मूव कराना चाहना, ए तो बी ते मूव कराना चाहना, तो जिन्ना वर्क मैं करना पेगा वह आ जाएगा समान पोटेंशियल, ठीक है जी। तो पहले समान वर्क पता कर लीए, ठीक है जी, फिर असं इंटीग्रेट करके सारे रिजल्ट इकट्ठा कर लाँगे तो साढ़े को जरा टोटल वर्क आ जाएगा वह आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो पहले मैं समाल वर्क पता करूँगा फ्रॉम ए टू बी, पूरे रस्ते में इतों लैके इतों तक वाले छोटे छोटे पार्ट डिवाइड कर लिया, हरेक पार्ट की लेंथ डी एक्स मान ली, ठीक है। तो मैं ए तो बी एक लेंथ दे वर्क डन स्टडी करूँगा, फिर मैं सारे रिजल्ट इंटीग्रेट कर दाँगा इकट्ठा कर लाँगा, ठीक है जी। लो आप पता करते हैं वर्क डन फ्रॉम समॉल लेंथ एलीमेंट ए टू बी। इस पॉइंट ए जो हम मान लो क्यू नॉट पे है तो जरा ए प्लस क्यू है ये उसनों उस पास रिपेल करेगा विद इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इसने उसनों उधर नूं फोर्स लाउणी है या धक्का लाउणा है, ठीक है। तो मैं इसनों इधर लाउणा चाहना, इसनों ए क्यू नॉट पे है इसनों इस पास ए तो बी वल, तो मैं जरा वर्क डन करांगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड करांगा, नो स्मॉल वर्क डन टू मूव टेस्ट चार्ज टू नॉट फ्रॉम ए टू बी। स्मॉल वर्क डन थोनू पता है वर्क डन क्या फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है जी। तो जो टेस्ट चार्ज साडा क्यू नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, जे हुण मैं मान ला भी साडे कोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई दा चार्ज पां टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लिया तो फोर्स की होगी क्यू नॉट ई, फोर्स मैं तुहानू दस्सिया इलेक्ट्रिक फील्ड नाल फोर्स कि फाइंड आउट करनी है, ई हुंदा है तुहाडा क्यू नॉट ते फोर्स की होगी क्यू नॉट टू ई, डिस्टेंस कितना मूव करा रहे डी एक्स। हुण अपोजिट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड दे तां माइनस लाँगे वर्क डन अगेंस्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। तो हुण असीं इसनों अगे प्रोसीड करते हाँ, तो डी डबल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स। लो जी इत्थे तक आई थिंक तुहानू क्लीयर है। हुण इह ओ तों लैके ए तक का डिस्टेंस मैं जे मान ला एक्स, तो इस पॉइंट ए ते जिथों मैं मूव करवाउणा टेस्ट चार्ज नूं बी तक उत्ते इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है वो पुट करके इंटीग्रेट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट ए के किहदे करके है इस करके इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है क्यू, डिस्टेंस कितना लिया एक्स स्क्वायर, ए वैल्यू पुट करो ते इंटीग्रेशन करिए सॉल्व। सो वर्क ना आ जाएगा साडे कोल माइनस क्यू नॉट के क्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स, मैं उहदे ई दी वैल्यू पुट कीती है नथिंग एल्स, ठीक है जी। हुण असी नैक्सट प्रोसीड करांगे अगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स।
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों पास इंटीग्रेट करिए। पहले बन गया टोटल बार डन, क्यू नॉट बार कर लीजिए, क्यू भी बार आ जाएगा, साढ़े को के भी कॉन्स्टेंट बार आ गया, वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करिए, असि इंटीग्रेशन कितों लैके कितने तक लैके आना है, वर्ग डन कितों लैके तक पता करना है, इनफिनिटी तो पॉइंट पी तक, तो यह पॉइंट पी तक का डिस्टेंस मान लो आर, तुम इनफिनिटी तो कितने लैके आना मान लो डिस्टेंस आर तक, इंटीग्रेशन करके इनफिनिटी तो डिस्टेंस आर ते लेके आवा असी। ठीक है जी, टेस्ट चार दिन ता हुन असी सिर्फ इंटीग्रेशन सॉल्व करना, नथिंग एल्स, तो साथे को सारा रिजल्ट होगा। हां जी, वर्क माइनस के क्यू नॉट क्यू इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सारे जानते हो, माइनस 1 बाय एक्स बनेगा, इनफिनिटी तो आर ते लेवना, माइनस माइनस प्लस हो गया, के क्यू क्यू नॉट ए पहला अपन वैल्यू करेंगे, हां जी ए माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बाय आर, फिर माइनस 1 बाय इनफिनिटी, 1 बाय इनफिनिटी भी होता है 0, तो के क्यू क्यू नॉट बटा आर आ गया। तो सानू पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होता है, पोटेंशियल जेड़ा ओ होता है, हां जी की होता है, वर्क बाय टेस्ट चार्ज, तो दिस इज वर्क बाय टेस्ट चार्ज के क्यू बाय आर। तो साडे कोल जेड़ा रिजल्ट है वो आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, दैट इज के क्यू बाय आर, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस दे इनवर्सली है, डिस्टेंस स्केयर भी नहीं हैगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ते इलेक्ट्रिक फोर्स है जेडी ओहो डिस्टेंस दे स्केयर दे इनवर्सली सी, पर इते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जेड़ा ओहो इनवर्सली के है, कल्ला डिस्टेंस दे इनवर्सली है, ए गल ध्यान च रखनी है। जेड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड हुंदा है ओ के क्यू बटा आर स्केयर हुंदा है, पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जेड़ा है के क्यू बटा आर है, सिंपली आर। ठीक है, मीन डिस्टेंस दे नाल जे असी वेरिएशन देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दी ओ किवें दी होगी, जे असी एक पासे ले लिए, ए ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बहुत बार, एक पासे इलेक्ट्रिक फील्ड ते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले लिए ते डिस्टेंस नाल वेरिएशन देखिए किदी स्टीपर स्लोप होगी। थोनू पता है जे पोटेंशियल दी गल करिए तां उहने दा आर दी 1 बाय आर दे इनवर्सली होना है, पोटेंशियल दा ग्राफ इहदे विच वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, पर जे मैं गल करा इलेक्ट्रिक फील्ड दी ए शार्प ग्राफ होगा, यानी बहुत तेजी नाल डिक्रीज हुंदा ग्राफ, इको दम डिक्रीज, स्टीपर स्लोप, इहदी स्लोप ज्यादा होगी, ए किहदा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इस तरह ग्राफ ज्यादा ज्यादा स्टीपर है, जिसकी रढ़ान ज्यादा है, रढ़ाई ज्यादा कहेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जिसका घट स्टीपर है, जिसकी स्लोप घट है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता थोनू अज का आर्टिकल क्लीयर होया, जिस दे विच असी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट पॉइंट पी फाइंड आउट किया, असी एक टेस्ट चार्ज लिया इनफिनिटी तो पॉइंट पी ते लेके आना सी, पूरे रस्ते नु डिवाइड कर लिया छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट च, एक लेंथ एलिमेंट की डिस्टेंस डी एक्स ले ली। ठीक है, इथों इथे तक मूव करन दे लिए असी एक छोटा जिहा वर्क डन फाइंड आउट कीता, तां ओह वर्क डन दा फिर अगे असी इंटीग्रेशन कीता, वर्क डन दा इंटीग्रेशन करके असी सॉल्व कीता इंटीग्रेशन नु, साथे को जरा रिजल्ट आया दैट इज के क्यू बाय आर। उम्मीद करता आज तुसी ये आर्टिकल तैयार करोगे। ठीक है, ता साथे को जरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दा, ये जेडे रिजल्ट है वो भी यूज होने हैं, ते जेड़ा असी वर्क डन फाइंड आउट कीता स्मॉल वर्क डन वो भी बहुत जगह यूज होना। ठीक है, इस करके डायग्राम बहुत ध्यान नाल आपां
बनानी है तो इस आर्टिकल करना है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स लॉट।